देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ मनीषा तिवारी। जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के नए मामले मिल रहे हैं, इन सब मामलों को लेकर देश का जो हाल है वो बेहाल होते जा रहा है। आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो ठहरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, दिन ब दिन दुगने रफ्तार से बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर में जो कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं उसकी संख्या 81,466 है। वहीं राज्य की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है वो राज्य है, यहाँ पे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में जिस तरीके से कोरोना के केसेस मिल रहे हैं और ये सब राज्य जो है दूसरी लहर का सामना कर रहा है। अब इन्हीं सब राज्यों के अलावा अगर बात की जाए तो बिहार राज्य भी शामिल ही होने वाला है। आपको बता दूं कि बिहार में पिछले 24 घंटे में जो कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उनके मामले जो मिले हैं, आपको बता दूं कि जो संख्या है वो 662 है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 662 नए मामले आए हैं। और पटना की बात की जाए तो सिर्फ पटना में लगभग 287 नए मामले आए हैं। वेल, जिस तरीके से लोगों की लापरवाही भी दिन ब दिन बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। वेल, सब इन सब मामलों को लेकर आपका क्या है कहना, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर बताएं। और ऐसे देश दुनिया के ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।